हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सिंपल लेस से ब्लाउज में डिजाइन बनाना बताऊंगी, बेक में डिजाइन बताऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और गले की गहराई रखेंगे 10.5 इंच और एक निशान बना लेंगे और गले के नीचे भी हम 2.5 इंच रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और देखिए इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद यहीं से हम 0.5 इंच अंदर के साइड निशान लगाएंगे, फिर नीचे से ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बाहर के साइड 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरह से गले का शेप देंगे। देखिए पहले डॉट डॉट जैसे निशान बनाएंगे, इसके बाद इस तरह से डार्क कर लेंगे निशान को। तो देखिए दोस्तों, दोनों साइड हमारा निशान आ गया है और इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और इस फैब्रिक को हम सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर से अस्तर को बिछाएंगे उल्टा करके और पूरा गले पर सिलाई लगा लेंगे। पूरा गले पर सिलाई लगाएंगे दोस्तों, पूरा जिस तरह से गले का निशान बनाया है उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम कमर के साइड भी 0.5 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, कमर में भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कमर में भी सिलाई लगा लिया है। आप इस पूरा गले की कटिंग करेंगे 0.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए और देखिए दोस्तों, इस तरह से 0.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले की कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों, गले में चारों तरफ से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से कट लगाएंगे दोस्तों, जिस तरह से मैंने निशान बना रही हूँ। पूरा गले में कट करना है दोस्तों, सिलाई के बचाते हुए कटिंग करना है। अब दोस्तों देखिए, इस तरह से गले को पलट लेंगे। अब फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे एक। तो पहले गले के ऊपर सिलाई लगाना शुरू करेंगे फिनिशिंग का, एकदम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। देखिए दोस्तों, मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो बाहर के साइड एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, इसे फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेंगे। अब इसमें टक्स लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए, 1 इंच की हमारी टक्स होनी चाहिए। तो हम दोनों 0.5 इंच का कपड़ा पकड़ते हुए तिरछे में टक्स लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी 1 इंच की टक्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, मैंने टक्स भी लगा लिया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक निशान बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, लेस ली हूँ ब्लाउज में डिजाइन बनाने के लिए। तो सिंपली इस लेस को गले पर स्टिच करना है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ उसी तरह से स्टिच करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कोना निकला हुआ है यहाँ पर लेस में प्लेट देते हुए बैठाना है। देखिए इस तरह से प्लेट दे करके और हल्के हाथों से लेस की स्टिचिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने लेस पूरा गले पर लगा लिया है। इसके बाद डबल सिलाई लगा लेंगे लेस पर। अब देखिए दोस्तों, 1 इंच बाहर के साइड निशान बनाना है पूरा गले में और एक देखिए इस तरह से पूरा गले में 1-1 इंच पर निशान बना लेंगे। देखिए इस निशान को अब डार्क कर लेना है और इसी निशान के ऊपर
और एक बार लेस की स्टिचिंग करना है। देखिए दोस्तों, दोनों साइड से निशान बना लेंगे इसी तरह से। अब नीचे कमर में भी यहाँ पर देखिए लेस लगाएंगे तो इस तरह से गोलाई देते हुए निशान बना लेंगे। चलिए दोस्तों, इस निशान के ऊपर भी हम लेस को स्टिच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से लेस की स्टिचिंग करना है। अब यहाँ पर लेस की कट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, कमर के साइड से लेस लगाना शुरू करना है और इसी निशान के ऊपर लेस को लगा लेना है। दोस्तों, इससे पहले अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, यहाँ से हमारे सिलाई मार्जिन का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहीं पर हम लेस की कट कर देंगे और लेस पर डबल सिलाई लगा कर स्टिच कर लेंगे दोस्तों। और इसी तरह से देखिए दूसरे साइड भी लेस को लगाना है। तो मैंने गले के ऊपर से लेस लगाना शुरू किया था तो यहाँ पर हमने नीचे के साइड से लेस लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर नीचे के साइड हमें तीन बटन लगाना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर तीन रेडीमेड हमने बटन लिया है और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक।